हालेलुया। सो आइए आज के परमेश्वर के पवित्र वचन को देखते हैं। दूसरा इतिहास 36 अध्याय उसका 14 वचन से लेकर 16 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 36 अध्याय 14 से लेकर 16 वचन तक पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 36 अध्याय 14 वचन से 16 वचन तक। सब प्रधान याचकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया और यहोवा के भवन को जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था अशुद्ध कर डाला। उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वे अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। अतः यह हवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय ना रहा। हालेलुया। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं परमेश्वर के पवित्र वचन में से, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे लाइव देख रहे हूं या चर्च में हूं, जो बर्बादी की ओर जा रहे हैं, जिनकी हानि हो रही है। आगे चलकर हम लोग समझेंगे परमेश्वर के वचन में से आज, क्योंकि कई कारण होते हैं इसके, जैसे दुष्टात्मा कारण भी हो सकती है जिस कारण बर्बादी है, और अन्य दूसरे कारण भी हो सकते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले श्राप होते हैं, ऐसे कोई भी कारण हो सकते हैं। लेकिन आज मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूं परमेश्वर के वचन में से, कहीं आपकी बर्बादी का कारण, जहां आपके बुरे हालात हैं जो, वो इस कारण तो नहीं कि परमेश्वर आप पर झुंझला उठे हैं। यहां पर देखिए जो परमेश्वर का वचन हमारे पास आया है, पवित्र बाइबल है, पवित्र बाइबल में से हम लोग जब पढ़ते हैं समझते हैं, ये उस समय की घटना है। लेकिन आज भी हम लोग समझते हैं कि ऐसा करने से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, ऐसा करने से परमेश्वर नाराज होते हैं, ऐसा करने से परमेश्वर तरस खाते खाते उकता जाते हैं, ऐसा करने से परमेश्वर फिर झुंझला जाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तो फिर परमेश्वर क्या कुछ ऐसा बातें हो जाती जो कर देते हैं। अगर ऐसे हालात हो भी जाएं तो फिर ऐसा क्या करने करें हम लोग कि उस बातों से हम लोग बाहर निकलें, जान जिसे हम लोग उपाय कह देते हैं। तो इन लोगों ने ऐसे चार कार्य किए कि परमेश्वर इन पर नाराज हो गए। ऐसा नहीं मैं कहना चाह रहा, लिखा है झुंझला उठे, परमेश्वर नाराज हो जाते हैं और अपने मना लेते हैं उन्हें, बहुत बार झुंझला उठे। और चार काम इन्होंने ऐसे किए, चार कार्य इन्होंने ऐसे किए जिन कारण परमेश्वर झुंझला उठे और उनकी चार प्रकार की हानि होनी शुरू हो गई, और फिर चार उपाय। हालेलुया हालेलुया। तो इन्होंने क्या किया? पहली बार यह हुई कि इन्होंने परमेश्वर के भवन को अशुद्ध कर दिया। इन्होंने क्या किया? आप अभी हम लोग वचन में पढ़ चुके हैं, दूसरा इतिहास 36 अध्याय 14 वचन से 16 वचन तक। इन्होंने क्या किया? परमेश्वर के भवन को अशुद्ध कर दिया, परमेश्वर के भवन को अशुद्ध किया। परमेश्वर ने अपने भवन को पवित्र बनाया, परमेश्वर का जलाल वहां रहते, परमेश्वर की मौजूदगी वहां होती, परमेश्वर की आंखें नित्य वहां लगी रहती थी। उस पवित्र स्थान को, उस पवित्र भवन को इन लोगों ने क्या किया? अशुद्ध कर दिया। आपकी बात नहीं कर रहा, उन लोगों की बात कर रहा हूं। उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के पवित्र भवन को
अशुद्ध कर दिया, जिस कारण परमेश्वर क्या हुए, नाराज हुए। और जब चारे बातें होगी तो फिर परमेश्वर झुंझला उठे। दूसरा, उन्होंने क्या कार्य किया, परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों से उड़ाने लगे। फिर भी जब इन्होंने परमेश्वर के भवन को अशुद्ध किया, दूसरी अन्य जाति के लोगों की तरह परमेश्वर के भवन को अशुद्ध कर दिया, तो परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा कि उनकी बात को सुने, उनकी बात को समझे। लेकिन उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों से उड़ाया। फिर भी परमेश्वर ने उन पर तरस खाए रहा और परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर अपने वचन भेजे कि इन वचनों पर चलकर वो शायद बदल जाएं। तीसरा काम उन्होंने किया, वचनों को तुच्छ जानते थे वो लोग, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते थे। और चौथा उन्होंने जो काम किया वो था, परमेश्वर के नबियों की हंसी करते थे, परमेश्वर के नबियों की हंसी करते थे, परमेश्वर के नबियों की हंसी करते थे, परमेश्वर के नबियों की हंसी करते थे। आज भी कई बार जो परमेश्वर के नबी हैं, कई लोग ऐसे हैं जो उनका मजाक करते हैं, हंसी करते हैं। तब वहां लिखा है, जब उनके बचने का कोई उपाय ना रहा, बचने का कोई उपाय ना रहा, परमेश्वर उन पर झुंझला उठे। परमेश्वर अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय नहीं रहा। पहले उन्होंने परमेश्वर के भवन को अशुद्ध किया, परमेश्वर ने सोचा कोई बात नहीं, मैं देखता हूं। परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा, उन्होंने दूतों को ठट्ठों से उड़ाया। परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा, उन्होंने वचन को तुच्छ जाना। परमेश्वर ने अपने नबियों को भेजा और उन्होंने नबियों की हंसी उड़ाई। तब लिखा है परमेश्वर फिर उन पर झुंझला उठे। फिर से पढ़िएगा दूसरा अध्याय 36 अध्याय 14 वचन से 16 वचन तक, अब आपको चारे पॉइंट पता चल जाएंगे। सब प्रधान याचकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया और यहोवा के भवन को जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था अशुद्ध कर डाला। हाँ, पहला काम उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के भवन को अशुद्ध कर डाला, परमेश्वर के भवन को अशुद्ध कर डाला। देखिए यशाया परमेश्वर क्या में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 58 अध्याय में पढ़ना नहीं, कि तुम परमेश्वर के पवित्र दिन को अशुद्ध मत करना, परमेश्वर के पवित्र दिन को अशुद्ध मत करना। आप सोचते होंगे हम कैसे अशुद्ध करते हैं, हम तो अशुद्ध नहीं करते परमेश्वर के पवित्र दिन को। वहां लिखा हुआ है अर्थात, वहां लिखा क्या है, अर्थात उस दिन तो अपनी इच्छा पूरी ना करें, उस दिन तो अपने ही मार्गों पर ना चलें, उस दिन तो अपनी ही बातें ना करें, तो यहोवा के कारण क्या होगा, सुखी होगा। तो परमेश्वर के पवित्र दिन को अशुद्ध करने का मतलब, अगर हम उस दिन परमेश्वर के दिन में अपनी ही बातें करते हैं, अपनी इच्छा पर चलते हैं, अपने मार्गों पर चलते हैं, बेपरवाह रहते हैं और परमेश्वर के उस पवित्र दिन का आदर नहीं करते, तो इसका मतलब परमेश्वर के उस पवित्र दिन को अशुद्ध करते हैं। ऐसे ही इन्होंने क्या किया था, परमेश्वर के भवन को अशुद्ध किया, परमेश्वर के भवन को अशुद्ध किया। अन्य जाति के वो सभी काम किए इन्होंने जो परमेश्वर को पसंद नहीं है और परमेश्वर के भवन को अशुद्ध कर दिया। फिर उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके, बड़ी कोशिश की परमेश्वर ने कि इनका नाश ना हो, बड़ा जतन किया परमेश्वर ने कि इनका नाश ना हो। परमेश्वर नाराज जरूर हुए लेकिन परमेश्वर सजा नहीं देना चाहते थे, परमेश्वर फिर भी उन्हें बचाना चाह रहे थे, परमेश्वर फिर भी उनसे प्रेम करते थे। फिर अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, अपने दूतों से उनके पास संदेश भेजा, कहला भेजा, क्योंकि वे अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रजा पर तरस खाता था। उन्होंने परमेश्वर के भवन को अशुद्ध किया, फिर भी परमेश्वर अपनी प्रजा पर क्या करता था, तरस खाता था। परमेश्वर नहीं चाहता था कि कोई बर्बादी में जाए, परमेश्वर नहीं चाहता था कि किसी की हानि हो, परमेश्वर नहीं चाहता था
बड़ा यत्न करके क्या किया, बड़ा यत्न करके अपने लोगों को बचाने के लिए क्या किया, हाँ अपने दूतों से कहला भेजा, अपने दूतों से कहला भेजा, क्योंकि वे अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते। तो लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों से उड़ाया, परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों से उड़ाया। पहले परमेश्वर के भवन को अशुद्ध किया, और फिर जब ऐसे वचन का पूरा समझेंगे फिर आपको पता चलेगा, आपको आप पर ऐसी स्थितियां, कहीं आपके घर के हालात ऐसे तो नहीं है। परमेश्वर की प्रजा की बात कर रहा हूं मैं, परमेश्वर के लोगों की बात कर रहा हूं, जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर को पहचानते हैं, उनके बारे में यहां लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों से उड़ाने लगे, पहली बात परमेश्वर के भवन को शुद्ध किया, परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों से उड़ाने लगे। हाँ, उसके वचनों को तुच्छ जानते, परमेश्वर के वचन को क्या करते, तुच्छ जानते, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते, और उसके नबियों की हंसी करते थे, और परमेश्वर के नबियों की हंसी करते थे। जो प्रोफेट थे, जो नबी थे परमेश्वर के, जो भविष्यवक्ता थे परमेश्वर के, उनको क्या करते थे, हंसी करते थे, उनकी हंसी करते थे, उनका आदर सम्मान नहीं करते थे। परमेश्वर के नबियों को आदर सम्मान नहीं करते थे, उनकी हंसी करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। ये चार कारण काम उन्होंने किए, ये चार कार्य उन्होंने किए। परमेश्वर के भवन को अशुद्ध किया, परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों से उड़ाते थे, परमेश्वर के वचनों को तुच्छ जानते थे, और परमेश्वर के नबियों को हंसी उड़ाते थे। कहीं आप भी परमेश्वर के भवन को अशुद्ध तो नहीं कर रहे? आप इस बात पर जरूर ध्यान दीजिए, कहीं आप परमेश्वर के भवन को अशुद्ध तो नहीं कर रहे? लापरवाही के साथ परमेश्वर के भवन में आते हैं, जो व्यक्ति ये समझकर नहीं परमेश्वर के भवन में आता, जो बिल्कुल नया उसे नहीं मालूम कोई बात नहीं, जो परमेश्वर को जानते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, जो परमेश्वर को जानते हैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर आप परमेश्वर को जानते हैं और फिर भी परमेश्वर के भवन में लापरवाही के साथ आते हैं, लापरवाही करते हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर के भवन को अशुद्ध करते हैं। यानी कि लापरवाही का मतलब आपको यह होना चाहिए कि परमेश्वर यहां हमारे बीच में मौजूद है, आपको यह होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर यहां है। आप परमेश्वर यहां है तो हमें कैसे परमेश्वर के भवन में रहना है, आदर करना है, सम्मान करना है, परमेश्वर के भवन को अशुद्ध नहीं करना। बहुत सी बातें हैं परमेश्वर के भवन को अशुद्ध करने के बारे में, फिर आप किसी दिन हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आज इसी। और आप में कोई ऐसा ना हो जो परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों से उड़ाए। परमेश्वर के दूत ने आपसे कुछ कहा, आपने मखौल में ठट्ठों में उड़ा दिया उसे, उसकी बात को। और कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो परमेश्वर के वचनों को तुच्छ जानने वाला। सो इसलिए आप में कोई ऐसा ना हो जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानने वाला हो। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा हो, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे हो और आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो। और चौथी बात जो है, परमेश्वर के नबियों की हंसी करने वाला नहीं होना चाहिए। जैसे जो जैसे परमेश्वर के दास कहूं या प्रॉफिट कहूं, प्रॉफिट सुमन दीप, जो प्रॉफिट हैं, जो नबी हैं परमेश्वर के, जिनके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बात करता है, चाहे पास्टर जी हैं, चाहे जिनके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करते हैं, उनकी हंसी उड़ाने वाले, उनकी हंसी करने वाले, उन्हें तुच्छ जानने वाले, उन्हें तुच्छ समझने वाले, परमेश्वर के दूतों को तुच्छ समझने वाले, ये चार बातें आप में नहीं होनी चाहिए। इन लोगों में ये चारें थी। तो फिर नबियों की हंसी करते थे। अतः यहोवा परमेश्वर अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा
कि बचने का कोई उपाय ना रहा, बचने का कोई उपाय ना, ऐसा कहूं बचने का कोई रास्ता ही नहीं रहा। परमेश्वर अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा, परमेश्वर ने कहा तरस खाता हूं इन पर, तरस खाता हूं इन पर, तरस खाता हूं इन पर, तरस खाता हूं। करते 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 सब रास्ते जब बंद हो गए, परमेश्वर के दास नबियों की सुननी उन्होंने बंद कर दी, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानना शुरू कर दिया, परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों से उड़ाने लग गए, परमेश्वर के भवन के अंदर उन्होंने वो सब कुछ किया जो अन्य जाति करते हैं। तो परमेश्वर झुंझला उठा, और जब परमेश्वर झुंझला उठा तो फिर उन पर संकट आ गया। चार प्रकार के संकट आ गए, चार प्रकार से इन्होंने ऐसे चार प्रकार के कार्य किए कि परमेश्वर झुंझला उठे, और चार प्रकार की ही हानि हुई। फिर दूसरा क्या, 36 अध्याय वहीं से जहां हम लोग पढ़ रहे हैं, 17 वचन से लेकर 20 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा क्या, 36 अध्याय 17 वचन से 20 वचन तक। तब उसने उन पर कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई, उसने मतलब परमेश्वर ने, तब परमेश्वर ने कसदियों के राजा से उन पर चढ़ाई कराई, और इसने उनके जवानों को उनके पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला। और क्या जवान, क्या कुवारी, क्या बूढ़े, क्या पक्के बाल वाले, किसी पर भी कोमलता न की, यहोवा ने सबों को उसके हाथ में कर दिया। क्या हानि हुई? पहली हानि प्राणों की हानि, पहली हानि प्राण की हानि होगी, प्राण की हानि होगी। परिवारों में से कितने लोग ही प्राण गवा बैठे। देखो ध्यान से, जब मुझे परमेश्वर ने यह वचन दिया मैंने लिखा, ध्यान से इस बात को समझो, मैंने भी बड़े ध्यान से इस बात को समझा। क्या जवान, चाहे जवान थे, चाहे कोई कुवारी थी, चाहे बूढ़े थे, चाहे पक्के बाल वाले थे, मतलब बूढ़े के भी आगे बूढ़े जो थे, पक्के बाल वाले थे, सबके प्राणों की हानि हुई। हालेलुया। जवान, कुवारी, बूढ़े, पक्के बाल वाले, ये संकट आ गया। तो जिन पर परमेश्वर झुंझला उठते हैं क्योंकि वो ऐसे ही काम करते हैं, तो परमेश्वर की ओर से भी संकट इस प्रकार से आ जाता है। इसलिए आप ऐसा कोई भी कार्य ना करें कि परमेश्वर झुंझला उठे। लास्ट में जब उपाय बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे और इस सारी बातों से आप आराम पाएंगे। हालेलुया। तो क्या लिखा है, पहला संकट क्या आ गया, प्राण की हानि। कुछ लोग जो वहां पर थे, जवान, कुआरियां, बूढ़े, पके बाल वाले, प्राणों की हानि हुई, क्योंकि इन्होंने वो काम किए जिन कारण परमेश्वर इन पर झुंझला उठे। आगे, क्या छोटे क्या बड़े, परमेश्वर के भवन के सब पात्र और यहोवा के भवन और राजा और उसके हाकिमों के खजाने, इन सबों को वे बेबीलोन में ले गया। हाँ, तो दूसरा काम क्या हुआ, जो कसदियों का राजा था जो बेबीलोन में लेके गया इनको, बंधुवाई में गए जब से, दूसरा यह हुआ कि उनके जो खजाने थे, राजे का खजाना उनका जो था, सरकारी खजाने जो थे उनके, और अधिकारियों का खजाना, सबका जो खजाना था, उस खजाने को वो कहां ले गए, ऐसा कहूं दुश्मन लूट के ले गए, बेबीलोन में ले गए थे, क्योंकि दुश्मन कसदियों का राजे ने उन पर चढ़ाई की थी। जानी के मेरे कहने का मतलब, पहली हानि कुछ लोगों के प्राण की हानि हो गई, दूसरी हानि लोगों के खजाने की हुई, लोगों के खजाने की हुई। खजाना समझते हैं, सब लोग समझते होंगे, यहां पर सोना, चांदी, धन, पैसा रखा जाता था, वो जो जहां पर वो पड़ा था, उस खजाने में जो पड़ा हुआ था, सारा खजाना लुट गया, दुश्मन लूट करने लगे सारा खजाना। तो इन्होंने चार ऐसे काम किए, परमेश्वर झुंझला उठे, और इनका बचने का उपाय न रहा, तो
फिर चाहे जवान है, चाहे कुंवारियां हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे पके बाल वाले हैं, उनके प्राणों की हानि हुई। दूसरा, उनके खजाने की हानि हुई, उनके खजाने की हानि हुई, सोना चांदी और पैसे की हानि हुई। आगे, कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया और यरूशलेम की शहर पनाह को तोड़ डाला और आग लगाकर उसके सब भवनों को जलाया और उसमें का सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया। क्या किया? तीसरी बात, उनका बहुमूल्य सामान था, जो प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं, उनके घर, उनके उनकी शहर पनाह, उनका जो कुछ भी था, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, उसका नुकसान हुआ। पहला, प्राण की हानि हुई। दूसरा, उनके खजाने की हानि हुई। तीसरा, उनकी प्रॉपर्टी की हानि हुई। किसकी प्रॉपर्टी? जायदाद की, उनकी जायदाद की, उनकी प्रॉपर्टी की, उनकी जायदाद की हानि हुई। हाँ, आगे, जो तलवार से बच गए उन्हें वे बेबीलोन को ले गया और फारस के राज्य के प्रबल होने तक वे उसके और उसके बेटों पोतों के अधीन रहे। फिर जो बच गए थे उन्हें वो कहां ले गया? कसदियों का राजा बेबीलोन में ले गया, बंदवाई में चले गए। तो जो वहां कसदियों का राजा था, ये जब बंदवाई में गए चले, वहां पर लिखा है उसका पोता जब राजा पुत्र राजा करने लगा, राज्य करने लगा, उसका पोता जो राज्य करने लगा, उतनी देर तक वहीं रहे वो। यानी कि जब पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बन रहे थे, ये भी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहे थे? गुलामी में थे। तो चौथी हानि जो हुई, पीढ़ी दर पीढ़ी की गुलामी, पीढ़ी दर पीढ़ी का बंधन, पीढ़ी दर पीढ़ी वही बीमारी पिता को दादा को थी, वही बीमारी पिता को, वही बीमारी बेटे को, वही बीमारी आगे चल रही है। हम लोगों ने बहुत देखे ऐसे जो पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारियां चलती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी शराब चलते हैं, बहुत ऐसा देखा हम लोगों ने। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले शराब, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारियां। तो ये गुलामी में, इनकी पीढ़ी जो थी वो गुलामी में चली गई। पहला संकट प्राण की हानि, दूसरा खजाने की हानि, पैसों की, सोना और चांदी की, और तीसरा उनकी प्रॉपर्टी की हानि, और चौथा वो बंधन में चले गए, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी बंधन में चले गए, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी श्रापों में चले गए। वो लोग जो परमेश्वर के भवन को अशुद्ध करते हैं, वो लोग जो परमेश्वर के दूतों को ठट्ठे से उड़ाते हैं, वो लोग जो परमेश्वर के वचनों को तुच्छ जानते हैं, वो लोग जो परमेश्वर के नबियों का मजाक उड़ाते हैं, हंसी करते हैं, उन पर प्राण की हानि, खजाने की हानि, प्रॉपर्टी की हानि और पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप आ रहा है। यहां पर बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। आप भी आज मनन कीजिए, कहीं आप पर भी परमेश्वर ऐसा झुंझलात नहीं उठे कि बचने का कोई उपाय नहीं रहा और हानि 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 हो रही है। कुछ लोगों की प्राणों की हानि हो रही है, बीमारियों के कारण हानि हो रही है, दुष्ट आत्माओं के कारण हानि हो रही है, कुछ लोगों की पैसे के कारण हानि हो रही है, कुछ लोगों की प्रॉपर्टी की हानि हो रही है, गाड़ियां बिक रही है, जमीन बिक रही है, प्लाट बिक रहे हैं, सब कुछ, और कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी में जा रहे हैं, बंधनों में जा रहे हैं, कर्जे के बंधनों में। दादा भी कर्जा देना था, पिता ने भी कर्जा देना था, खुद भी कर्जा देना है, कि बेटा भी कर्जा चुकाने वाला, कर्जे में दबा है। कोई भी श्राप हो सकता है, कोई भी बंधन हो सकता है। माँ को भी दमा था, ठीक है, बेटी को भी दमा है, सांस लेने में दिक्कत है, उसके आगे बेटी है उसको भी सांस लेने में दिक्कत है, दादा को भी दिल का रोग था, दादा को भी दिल का रोग है, खुद को भी दिल का रोग है, कि बेटे को भी दिल का रोग है। अगर कोई आप में ऐसा है तो आज पश्चाताप कर सकता है।
तो इन लोगों ने क्या किया, वो ऐसे चार कार्य किए जिनके कारण परमेश्वर इन पर झुंझला उठे और चार इन पर हानियां होने लगी, संकट आने लग गई। कहीं आप पर संकट इस कारण तो नहीं आ रहे? थोड़ा सा आप मनन जरूर कीजिएगा, हो सकता आप चारों बातें ना करते हो, कोई एक ऐसी बात हो। आप अपने मन में जरूर सोचिए कि कहीं आप पर जो संकट है, कहीं आपका सोना चांदी और पैसा शैतान उड़ा रहा है, इस कारण तो नहीं है? कहीं आपकी प्रॉपर्टी बिक रही है, बिक रही है। एक तो बेचनी, बेचकर खुद आप बेचते हैं और बड़ी को ले रहे हैं, बात अलग है, लेकिन आपके ऊपर कर्जा है, कर्जा उतारने के लिए आप बेच रहे हैं प्रॉपर्टी को। जब बीमारियां से चंगाई पाना चाह रहे इसलिए प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी बिक रही है। अगर आप छोटी प्रॉपर्टी को बेचकर बड़ी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वो बात अलग है। कहीं आपकी प्रॉपर्टी बिक रही है, कहीं आप पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी में तो नहीं है, इस कारण से तो नहीं हो रहा? आज जरूर मनन कीजिए। हर दिन हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई देंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको आराम देंगे, प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करेंगे। लेकिन आज थोड़ा सा हम लोग इस विषय पर भी बात करें, इस पर भी सोचें और विचार करें। तब चार उपाय मैं आपको बताना चाह रहा हूं। दूसरा इतिहास 7:14 बाइबल परमेश्वर के वचन में कहानियां नहीं लिखी हुई, आपको मालूम है ये इतिहास की पुस्तक है। हालेलुया, ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी हुई है, इसमें जो कुछ भी लिखा है सत्य लिखा हुआ है। दूसरा इतिहास 7:14 तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरे कहलाते हैं, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, दूसरों के लिए एक ही है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो किस पे विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि सदीपक जीवन पाए, यानी कि जो कोई परमेश्वर मसीह पे विश्वास करता वो उधार पाए। और जिन्होंने परमेश्वर मसीह पर विश्वास किया है, बपतिस्मा लिया है, उन्होंने उधार पाया है। स्वर्ग में सजा नहीं है उनके लिए, स्वर्ग में उनके लिए सजा नहीं है, यानी कि वो नर्क में नहीं डाले जाएंगे, स्वर्ग में तो वो जाएंगे, प्रतिफल पाएंगे, ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे। स्वर्ग में जब वो सिंहासन के सामने जाएंगे परमेश्वर के, तो उन्हें नरक में नहीं डाला जाएगा। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया हुआ है वो बचाए जाएंगे, लेकिन यहां धरती पर परमेश्वर सुधारने के लिए कई बार सख्ती करते हैं, ताकि हम लोग सुधरें और स्वर्ग में प्रतिफलों को, मुक्तों को पा सकें। तो ऐसे संकट से अगर आपने ऐसा कुछ किया है जिस कारण परमेश्वर झुंझला उठे हैं, आपने ऐसा किया कुछ के परमेश्वर आप पर नाराज हैं, ऐसा कुछ आपने किया कि परमेश्वर आप पर तरस खाते 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 तरस खाते खाते, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है मैं तरस खाते खाते उकता गया हूं, अगर ऐसा है तो चार उपाय, दूसरा इतिहास 7:14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, पहली बात क्या करें, क्या करें, दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे जो कहलाते हैं मेरे लोग, मेरे लोग, मेरे लोग, परमेश्वर के लोग जो हैं, क्या करें, दीन होकर, क्या करें, वो दीन हो, क्या हो, दीन हो, क्या हो, दीन हो। कई बार परमेश्वर उनको कुछ देता है वो हवा में उड़ने लगते हैं, परमेश्वर जब देते हैं कई बार तो वो हवा में उड़ने लग जाते हैं। हालेलुया, और फिर परमेश्वर की परवाह नहीं करते, परमेश्वर के वचनों को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर के भवन को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर के दूतों को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर के नबियों को तुच्छ जानते हैं। और फिर ये चार हालात होते हैं, आसमान पर उड़ते 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 नीचे गिरते हैं। अगर
पहली बात आपको जो करनी है वो क्या है? दीन होना। पर यीशु मसीह यहां तक दीन रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वो परमेश्वर जब धरती पर आया दीन हुआ, हमें भी क्या होना है? दीन हो जाना है। हीन नहीं होना, दीन और हीन में अंतर है। जानी कि आपके अंदर दीन भावना होनी चाहिए, हीन भावना नहीं। हीन भावना क्या होती है? मैं कभी नहीं ऊपर उठ सकूंगा, मेरा कभी नहीं घर बन पाएगा, ये मेरे घर में ये कभी नहीं सुधरेगा, मेरा लड़का कभी नहीं सुधरेगा, मेरी पत्नी कभी नहीं सुधरेगी, मेरा पति कभी नहीं सुधरेगा, है ना, मैं हमारा कर्जा कभी नहीं उतरेगा, मुझसे नशा कभी नहीं छूटेगा। ये क्या है? मैं तो क्या बन सकता हूँ, मैं तो धक्के सारी उम्र खाने हैं। ऐसी ऐसी शब्द जो है वो क्या है? दीन भावना नहीं है। ये क्या है? हीन भावना है। हीन भावना। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है तुम में से ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो हीन भावना से बंध जाए, जिसके अंदर हीन भावना बैठ जाए। ऐसा नहीं है। हम परमेश्वर मसीह के नाम से सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर हमें फलवंत करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएंगे, परमेश्वर हमें सफलता देंगे, परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर हमें चंगा करेंगे, परमेश्वर हमारा कर्जा उतारेंगे। यानी कि हीन भावना नहीं होनी चाहिए। तो यहां जो लिखा है वो है क्या बनना है? दीन, दीन, नमर, दीन, नमर बनना है। हवा में नहीं उड़ना। जो हवा में उड़ते हैं वो परमेश्वर के वचनों को तुच्छ जानते हैं। देखी जाएगी जो होगा। नबियों की मजाक करते हैं, परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों से उड़ाते हैं, परमेश्वर के भवन को तुच्छ जानते हैं। चल आज क्या है, जरूरी थोड़ा है परमेश्वर के भवन में जाना। दीन हो आप, इस बात को समझिए। उपाय पहला, आप दीन हो। अगर आप परमेश्वर की प्रजा हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, आप दीन हो। अगर आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां नहीं बने तो यूहन्ना 1:12 वचन में लिखा है जो कोई परमेश्वर मसीह पर विश्वास करता है वो परमेश्वर की संतान हो जाता है। परमेश्वर मसीह के विश्वास करने के द्वारा आप परमेश्वर के संतान बन सकते हैं। तो दीन क्या बनना है? दीन क्या बनना है? दीन, ठीक है। हाँ पढ़िए 2 इत्यास 7:14। दीन होकर प्रार्थना करें, पूरा पढ़ो 7:14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे, अगर मेरी प्रजा, याद, यदि अगर, शुरू से पढ़ो। तब यदि, तब यदि, तब मतलब अगर प्राणों का संकट चल रहा है, खजाने में संकट है, बहुमूल्य आपकी प्रॉपर्टी में जो है सामान है, प्रॉपर्टी का संकट चल रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी संकट चल रहा है, तो क्या करें? दीन हो जाएं, दीन हो जाएं। और दूसरी बात क्या करें? पढ़ो, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। दीन हो और क्या करें? प्रार्थना करें। कुछ लोग प्रार्थना कैसे करते हैं आपको पता है ना? परमेश्वर मसीह जब क्रूस पे चढ़ाए गए थे तो दो डाकू थे, जो एक दाहिने और एक बाएं था, वो भी क्या थे? क्रूस पे चढ़ाए गए थे क्योंकि वो डाकू थे। लेकिन एक डाकू ने क्या कहा? उसने प्रार्थना, दोनों डाकुओं ने क्या की? प्रार्थना की। दोनों डाकुओं ने प्रार्थना की। एक कहता है अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, अगर तू मसीहा है, जो कुछ भी उसने बोला, आप भी बच, हमें भी बचा के दिखा तू। ये क्या है? अभी भी वो हवा में उड़ रहा था, मौत की सजा हो चुकी थी, फिर भी हवा में उड़ रहा था, दीन नहीं थी। लेकिन दूसरे ने क्या प्रार्थना की? हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझे याद करना। उसने उसे समझाया, अरे हमने तो सारी उम्र पाप किए हैं, तू ऐसे कैसे बोल रहा है? उन्हें, उसने अपने पापों का अंगीकार भी किया। तो वो उसकी प्रार्थना जो थी वो दीन होकर वो प्रार्थना कर रहा था। ये जो प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर से कहना, परमेश्वर से मांगना। ये जो प्रार्थना कर रहा था ये दीन होकर नहीं मांग रहा था, अकड़ कर मांग रहा था। जैसे कुछ लोग कहते हैं फिर हम परमेश्वर मसीह को मानेंगे, पहले ये हो जाए। डॉक्टर के पास जाकर कभी कहते हो कि हम दवाई बाद में खाएंगे, पहले चंगे हो जाएं, बाद में प्रार्थना करेंगे हम तो, पहले चंगे हो जाएं, बाद में विश्वास करेंगे, पहले चंगे हो जाएं। पहले आपको जो काम करना आपको करना है, जो परमेश्वर का काम है वो परमेश्वर करेंगे। तो
उपाय पहला क्या हो? बोलो, दीन हो। क्या हो? दीन हो। दूसरा, दीन होकर क्या करें? प्रार्थना करें। दीन होकर क्या करें? प्रार्थना करें। दीन हो और दीन होकर प्रार्थना करें। प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह साथ साथ में क्या कहते हैं? मत्ती साथ साथ में क्या कहते हैं? मांगो तो, मांगो तो दिया जाएगा, मांगो तो, मांगो तो। मांगने का मतलब क्या है? ऐसे करके वो वाला नहीं मांगना वाला, जान के कहो तो, कहो तो परमेश्वर से, कहो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर से कहो, प्रार्थना में कहेंगे कैसे? जो आप अपने परमेश्वर से कहते हैं उसी को तो प्रार्थना कहते हैं कि परमेश्वर हमारी मदद करो, ऐसा करो, ऐसा करो, वही तो प्रार्थना है। दीन होकर क्या करें? प्रार्थना करें। दूसरा कार्य हो गया, और तीसरा आगे, मेरे दर्शन के खोजी होकर। परमेश्वर के क्या हो? दर्शन के खोजी हो, परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो। तीसरी बात जो है उपाय है कि हमें परमेश्वर के दर्शनों के खोजी होना चाहिए। परमेश्वर के दर्शन के खोजी होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि परमेश्वर हमें दिखाई दें, परमेश्वर के दर्शन पा लेना सिर्फ यही नहीं है, परमेश्वर को देख लेना यही नहीं है। परमेश्वर के दर्शन होने, दर्शन के खोजी होने का मतलब यह है कि परमेश्वर को अपने मार्ग को परमेश्वर के हाथ में सौंपना और कहना, परमेश्वर हम आपके दर्शन के खोजी हैं, आप हमें रास्ता दिखाएं, जिस रास्ते पर आप चाहते हैं हम उसी रास्ते पर चलें। परमेश्वर के दर्शन के खोजी होने में बहुत सी बातें हैं, परमेश्वर के स्वभाव को जानना कि परमेश्वर को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, यह भी परमेश्वर के दर्शन के खोजी होना। परमेश्वर की तांग रखनी, परमेश्वर से प्रेम करना, यह है परमेश्वर के दर्शन के खोजी होना। परमेश्वर की तांग रखनी, परमेश्वर को मिलने की तांग रखनी, परमेश्वर के वचनों की तांग रखनी, प्यासे होना परमेश्वर के, हे परमेश्वर मैं प्यासा हूं, मैं कब जाऊं और आपके चरणों में घुटने टेकूं, कब जाऊं मैं प्रार्थना करूं, कब जाऊं मैं ऐसा करूं। परमेश्वर के दर्शन खोजी, परमेश्वर आप क्या चाहते हैं मैं आपके लिए करूं, परमेश्वर के दर्शनों के खोजी होना। दीन होकर प्रार्थना करें, और फिर तीसरी बात, परमेश्वर के दर्शनों के खोजी हो, और चौथी बात, अपनी बुरी चाल से फिरे, अपनी बुरी चाल से फिरे, अपनी बुरी चाल से फिरे। कौन सी बुरी चाल? बहुत सी बातें हैं आपको मालूम है, 10 आज्ञा हैं आपको मालूम है, लेकिन उस बुरी चाल से फिरें जिसके कारण संकट आ गया था, जिस बुरी चाल के कारण संकट आ गया उस बुरी चाल से फिरें, अपनी बुरी चाल से फिरें। तो चार उपाय, दीन हो, प्रार्थना करें, दर्शन के खोजी हो, और बुरी चाल से फिरें, बुरी चाल से फिरें, बुरी चाल से फिरें। हाँ, तो मैं सुनकर, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनका पाप क्षमा करूंगा, और उनके देश को, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, पहले की तरह ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, फिर उनके जवान, उनकी कुवारियां, उनके बूढ़े, उनके पक्के बाल वालों के प्राण की हानि नहीं होगी, फिर उनका खजाना, धन, सोना, चांदी की हानि नहीं होगी, फिर उनका बहुमूल्य सामान, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी, कोई ऑटो ले गया, कोई कोई गाड़ी किसी ने उसकी ले ली दबाली कर्जे के कारण, या किसी का प्लाट बिक गया, प्रॉपर्टी बिक रही है, प्रॉपर्टी जा रही है, ये नहीं होगा, ये हानि नहीं होगी। और फिर आपका बेटा, आपका पोता, आपका पड़ पोता, आपका पड़ 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 पोता, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला शराब की हानि है, वो हानि नहीं होगी। हालेलुया। फिर से पढ़ दीजिए दूसरा अध्याय 7:14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल, अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से
सुनकर स्वर्ग में से परमेश्वर कहते हैं मैं सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। उनके देश को हरा भरा कर दूंगा, उनके परिवारों को हरा भरा कर दूंगा, उनके परिवारों में खुशहाली आ जाएगी, उनके परिवारों में शांति आ जाएगी, उनके जीवनों में आत्मिक शांति आ जाएगी। हालेलुया।